आप में सरकार देनी है, लोकसभा देनी है, देश को प्रधानमंत्री देना है, क्या होने वाला है? देखो झूठ ना बोलो, मलदी के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, बनेंगे तो मोदी। हमारे योगी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं दिल्ली में। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर योगी है जो डंडा चढ़ा के सबको सीधा करेगा। कह रहे हैं कि उनको तो भगा देंगे मोदी। क्या है वो झूठे आदमी नाम लेते हैं, उसका कोई बात के विश्वास करेगा? इतने आदमी में अगर सच्चा होगा कोई है वैल्यू उसका? जेल में जाने दो, अगर दो तरीक का जाने दो, 10 साल बाहर नहीं आएगा ये। कि आप बता दो राहुल में एक खूबी बता दो, 52 साल का हो गया, क्योंकि माँ बेचारी 52 साल से 25 साल से हो रही है बोलना जीरो। चांदनी चौक का जो है लोकसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के जो है उम्मीदवार हैं प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस पार्टी के जो है जेपी जो है अग्रवाल जी हैं, तो क्या लगता है आपको आखिर क्या रहेगा इस बार? भैया जी देखो, पब्लिक बड़ी समझदार हो चुकी है, पब्लिक का बड़ी समझदारी है, सबको पता है दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जानी है, सबको पता है, मीडिया वाले को पता है। अच्छा, मीडिया वाले को पता है। और जाके मोदी जी, और तो ये बताइए, आप मीडिया वाले हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, राहुल गांधी में एक खूबी बता दो, एक जो भाग रहा है छलांग, वो होगा ये होगा, पूरब से पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूरा का पूरा भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। राहुल गांधी नहीं, मुझे राहुल गांधी में एक खूबी बता दो, राहुल गांधी 52 साल का हो गया है, मीडिया उनको पूछेगा नहीं चाहे केजरीवाल है, और जैसे दो दिन को अंदर जाना है, ये कम से कम 10 साल रहेगा, वापस नहीं आएगा, 10 साल रहेगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आप झाड़ों में और हाथ में जो है अगर बटन दबाते हैं और इंडिया गठबंधन की जो है सरकार आती है वो दोबारा जो है जेल नहीं जाएंगे। इम्पॉसिबल, वो तो आप बात सुनो, इंडिया गठबंधन कौन है पता आपको? कौन सा नाम बता दो जो जिसके ऊपर केस नहीं है, जो करप्ट आदमी है वो इंडिया बन गया, इंडिया बन गया, जो जेन्युइन आदमी है जो मुल्क के सोचते हैं वो भारतीय जनता पार्टी हो गए। कहते हैं कि मोदी जी जो है पूरे जो है संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे CBI, ED है, इवन कोर्ट भी जो है मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है आजकल। बहुत नहीं, मोदी कोई इशारे में नहीं है, मोदी जी ने काम किया है, दुनिया की नज़र मोदी के ऊपर है, जो मोदी को इंडिया को कोई पूछता नहीं था। मैंने तो आपसे एक क्वेश्चन किया है कि आप बता दो राहुल में एक खूबी बता दो, 52 साल का हो गया, क्योंकि माँ बेचारी 52 साल से 25 साल से हो रही है बोलना जीरो। भी ये है कि कांग्रेस पार्टी कई सालों से उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर रहे हैं, कोई ना कोई खूबी तो होगी जो पूरी कांग्रेस पार्टी में कितने दिग्गज नेता हैं सब ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे तो केवल राहुल गांधी बनेगी, खूबी तो होगी। कांग्रेस में नेता रह कौन गया है? नहीं, कांग्रेस में नेता है कौन? केजरीवाल बहुत अच्छा है। केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं ना, कौन उनको कौन रोक तभी तो वो कुछ नहीं कर पा रहा। राशन कह रहे राशन फ्री मिल रहा, हम तो खुद खरीद के खा लेंगे, राशन को क्या हुआ? हाँ, गरीबों का साथ दे रहा है मोदी गरीबों का साथ दे रहा है, जेल में डाल दिया उसका बिचार का, और पता नहीं कैसे निकला उसको, फिर कह रहे हैं फिर जेल में डाल, अब वोट देंगे केजरीवाल को फिर ना जाए वो। पहले 5 रुपया मिस्त्री लेता था, अब 700 लेता है। पहले मिस्त्री रोटी नहीं खा पाता था, जो लेबर मार्केट काम करती थी दो रुपये या जो पुरानी बता कर रहा हूँ 2 रुपये, वो जिस घर में काम करते थे उसे 4 लेकर रोटी खाते थे। आज मिस्त्री भी 400 में काम नहीं करता, ठेका दो 1000 रुपया जेब में डाल के जाता है, फ्रूट 200 का जाता है, 100 की सब्जी ले जाता है, एक क्वार्टर भी लेता है, फिर 700 रुपया जेब में लेके चला जाता है। आपको तो महंगाई है, पहले तनख्वाह कितनी होती थी क्लर्क की? 125 रुपये। लेकिन ये बात जो है ना, देखिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे आपके जैसे उम्रदास जो है वहाँ पे नेता हैं, वे यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने जो पूरा देश चौपट कर दिया, महंगाई इतनी होगी, युवा भी बेरोजगार हैं। आपको जवाब दे रहा हूँ, महंगाई का बात सुनो, बता रहे एक बात बताओ, एक मिनट, कैमरा वहाँ नहीं जा रहा जहाँ पे गरीब बच्चे बेचारे दिन में मिलते हैं रात को नहीं मिलता है? आप ये मत कहो, आप जो ना ये कैमरा वहाँ नहीं पहुँचता है, समझे? आप जो कह रहे हो कम से कम 25% आदमी ऐसा है गरीब जो बेचारा दिन में पता नहीं काम मिलता उसको नहीं मिलता है, है? अब सुनिए, अब हम तुम हैं पैसे वाले हैं तो पैसे वाले के ऊपर सब ना फर्क पड़ेगा, है? आप गरीब के जब कांग्रेस थी तो सरेंडर पे सब्सिडी मिलती थी या नहीं मिलती थी बताओ आप?
औरतों को सब्सिडी मिलती थी आपको नहीं नहीं भाव जी बताओ कितने एक देश में से तो निकाल के दे दी थी दे दी अपने दोस्तों ये बताओ देश को घोटाले देश को कब्जे में दाबने का ये बताओ देश को कर्जे में दाबोगे क्या आपका आटा 2 रुपए किलो मैं बात गेहूँ 50 रुपए किलो है आटा तो मैं 40 मिल जाएगा कहाँ से मिल जाएगा उस पर सब्सिडी भी दे रही थी वो कहाँ से दे रही थी सुनो ये तो उनको पता हमें नहीं पता जब 1000 रुपए का माल 350 मिल रहा था तो मैं आपको पता नहीं है अब एमसीसी रानी बनी हुई है अमेठी में अब उन्होंने तो सिलेंडर लेके आ जाती थी ये इतना महंगा अरे ये 400 का सिलेंडर हो गया महंगा हो गया पहले गरीबी नहीं था पहले गरीबी नहीं था और गरीब का आपने कितना रोटी दिया हमें बताओ आपने गरीब को कभी दिया कि 2 रोटी खा लो 500 रुपए मैं 500 रुपए कमाते थे एक में काम 500 रुपए कमाए में और सुबह लेके जाता हूँ उसमें बचते नहीं एक पैसा इतनी महंगाई है क्या बोलता नहीं बचता झूठ नहीं बोलना चाहिए क्या मेरे सामने होगा मैं इतना बढ़िया पैंट पहने हो ये 100 सेकंड खाली पैंट है ये गरीबी है भैया ये कैमरा सुनिए सुनिए कहने से ना सरकार बदलेगी महंगाई में बात सुनो सरकार कभी बदली नहीं घटेगी ये बताऊं जो कहता हूँ बोतल पानी पी रहा हूँ मैं अभी हूँ गरीब मैं बात सुनो पैसा है तब तो पी रहा हूँ ना काम कर रहे तो गरीब कैसे गरीब रहेंगे अब जो है हमें आप में सरकार देनी है लोकसभा देनी है देश को प्रधानमंत्री देना है क्या होने वाला है देखो झूठ ना बोलो मलदी के सामने खड़ा हूँ ठीक है बनेंगे तो मोदी हमारे योगी जी आ रहे हैं दिल्ली में लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी जो है प्रधानमंत्री तो बनेंगे लेकिन उसके बाद जो है सत्ता किसी को दे देंगे दूसरे प्रधानमंत्री में और योगी जी को बाहर कर देंगे ऐसे बोल रहे थे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे अब सुन लो मेरी बात योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर योगी है जो डंडा चढ़ा के सबको सीधा करेगा कह रहे हैं कि उनको तो भगा देंगे मोदी क्या है वो झूठे आदमी नाम लेते हैं उसका कोई बात के विश्वास करेगा इतने आदमी में अगर सच्चा होगा कोई है वैल्यू उसका जेल में जाने दो अगर 2 तारीख का जाने दो 10 साल बाहर नहीं आएगा ये अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो जेल ले जाएंगे अगर जो है बीजेपी आएगी नहीं आएगी फ्री पार्टी है एक के साथ एक बोतल बहुत फ्री पार्टी केजरीवाल जी ने हाँ बहुत बांटी थी अब वो गरीब आदमी को दारू पूरा पिला के इतने पैकड़ कर दिया उसके अंदर उनसे 3 महीने पहले बोल गए थे ये अंदर जाएगा ये हाँ इसने पता है क्या किया हुआ है इसने डॉक्टर देखते ना बनाया देखने के लिए आधे घंटे में डॉक्टर आता है आधे घंटे में डॉक्टर आता है जो उन्हें बनाई जगह जगह डॉक्टरों के लिए तो 200-500 का मरीज का पैसे लेते हैं डॉक्टर इन्होंने पेमेंट किया है बहुत सिर्फ राम का नाम मंदिर जरूर बना है वो बाकी कुछ नहीं है भाई साहब अच्छा। बेरोजगार है सारी जनता बेरोजगार है यहाँ सब खड़े क्या पड़ेगा फर्क पड़ेगा काफी फर्क पड़ेगा आज फर्क नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा अब ये केजरीवाल जी या राहुल गांधी मैं जा रहा हूँ नहीं बोलो मैं जा रहा हूँ केजरीवाल 2 तारीख को अंदर रहेगा और 10 साल से पहले अंदर बाहर नहीं आएगा केजरीवाल छूटेंगे नहीं हम मोदी जिताएंगे केजरीवाल छूटेंगे नहीं उनकी सरकार बनेगी नहीं वो छूटेंगे नहीं गठबंधन आ रही है बहुत प्रचंड बहुमत में इनका अगर 60 सीट निकाल ले कुल मिला के तो बहुत भारी है सुनो मेरे 4370 बन गया 370 सीट के चुनाव हो गया और 280 सीट बीजेपी बन गया लिख लो पेपर में ये पक्का रिपोर्ट बता रहा हूँ।